दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन टेलीविजन के मशहूर अभिनेत्री उर्फ पाखी के लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐश्वर्या शर्मा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, मॉडल और डांसर हैं। उनका जन्म और पालन पोषण उज्जैन शहर में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही नृत्य और अभिनय में गहरी रुचि रखी थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई चली गई और अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। 2020 में अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा MX प्लेयर के माधुरी टॉकीज वेब सीरीज में अभिनय के बाद काफ़ी प्रसिद्धि मिली। आजकल वह गुम है किसी के प्यार में सीरियल पाखी का रोल कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर दें, आई एम फैन ऐश्वर्या शर्मा। दोस्तों इनका रियल नेम ऐश्वर्या शर्मा है, निकनेम पाखी है। प्रोफेशन से वो एक इंडियन टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल हैं। इनका जन्म 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। आइए जानते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा SVM ऋषि नगर उज्जैन से किया हुआ है। अल्पाइन प्रौद्योगिक संस्थान से अपना इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट किया। उन्होंने अपना इंजीनियरिंग इसी में किया था। अब बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में। इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, वेट 60 किलो है, बॉडी मेजरमेंट 33, 23, 34 है। इनकी आंखों का रंग काला है, बालों का रंग काला है। नेशनैलिटी से एक इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। इनके फेवरेट एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह हैं। फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा है। पसंदीदा भोजन आलू पराठा और बिरयानी है। फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा है। आइए जानते हैं इनके फैमिली के बारे में। ऐश्वर्या मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता उज्जैन के बिजनेसमैन हैं और उनकी माँ हाउसवाइफ है। इसके अलावा वह एक ब्राह्मण जाति से हैं। उनका एक भाई है जिसका नाम प्रांजल शर्मा है और उनकी बहन का नाम राजनंदिनी शर्मा है। अब बात कर लेते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। अभी उनकी शादी नहीं हुई है पर कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने रोके की पिक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें वह अपने सह कलाकार नील भट्ट के साथ है। कथित तौर पर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा पहली बार अपने शो गुम है किसी के प्यार के सेट पर मिले थे, जहां उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक में नील विराट की भूमिका में है जबकि ऐश्वर्या पाखी की भूमिका में है। ऐश्वर्या शर्मा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वह अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में मिमिक्री करती थी और उन्हें सेलिब्रिटी इंटरव्यू पढ़ने का शौक था। वह उनमें से एक बनना चाहती थी। एक हस्ताक्षर के अनुसार उन्होंने खुलासा किया कि वह इरफान खान, राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दिग्गजों से अभिनय करने की प्रेरणा ली थी। ऐश्वर्या एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विश्वविद्यालय से कथक में विशाद नामक 6 साल का कोर्स किया है। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में PhD करने की अपनी योजना छोड़ दी, इसके बजाय इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। बाद में वह अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनेत्री बनने के अपने बचपन को सपने को आगे बढ़ाया। एक हस्ताक्षर में उन्होंने कहा, जब मैं इंजीनियरिंग की अपनी पूरी पढ़ाई कुछ अलग करने के अतिरिक्त जुनून अभी जीवित था। मेरे पिता मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मुझे अभिनय के अपने जुनून को पालन करने के लिए समर्थन और प्रेरित किया। 2015 में उन्होंने कोड रेड शो एक छोटी भूमिका के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की थी। बाद में उसी वर्ष वह संकटमोचन महाबली हनुमान, सूर्यपुत्र कर्ण और जांबाज सिंधबाद के शो में दिखाई दी। 2017 में वह टेलीविजन श्रृंखला मेरी दुर्गा से सुर्खियों में आई जिसमें उन्होंने अमृता की भूमिका निभाई। 2019 में उन्होंने ऐतिहासिक शो सूरज संहिता में अभिनय किया जिसका प्रीमियर लोकसभा चैनल पर हुआ। बाद में उन्होंने MX प्लेयर की माधुरी टॉकीज 2020 के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया जिसमें उन्होंने पुनीता की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने गुम है किसी के प्यार शो में पाखी की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने नील भट्ट और आशा सिंह के साथ लीड रोल में है। अगर हम इनके कार कलेक्शंस की बात करें तो उनके पास होंडा सिटी कार है जिसकी कीमत 14 लाख के आसपास है। आइए जानते हैं इनका नेटवर्थ कितना है। इनका नेटवर्थ दोस्तों 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस के आसपास है। वह एक एपिसोड के 80 से 90 हज़ार चार्ज करती हैं।
आइए जानते हैं उनकी कुछ अनसुनी बातें। ऐश्वर्या एक फिटनेस फ्रीक है। वह अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए रोजाना जिम सेशन और सख्त डाइट प्लान फॉलो करती हैं। उनकी पीठ पर एक टैटू भी है। वह एक शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनके पसंदीदा बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और रणवीर सिंह हैं। वह भारत भर में यात्रा करना और विभिन्न भाषाएं सीखना पसंद करती हैं। गोवा उनकी पसंदीदा जगह है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जाना पसंद करती हैं। वह डॉग लवर भी है। उनके पास एक डॉग है जिसका नाम पिक्सी है। तो यह थी ऐश्वर्या शर्मा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप ऐश्वर्या उर्फ पाखी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें